आजकल तबीयत भी सही नहीं रह रही और इस वजह से तो आज बेसिकली हमारे यहाँ स्पेशल अफ्तारी है क्योंकि आज हमने हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं कुछ, तो इस वजह से क्या हुआ तो बस सब खाना बन रहा है अभी, देखें पता नहीं क्या क्या बन रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेड रोल बनाए थे, इन्होंने आज कुछ नहीं बनाया, कोई हेल्प नहीं, इन्होंने बनाया सब कुछ। सलाम नहीं करना आता था। सो गाइस चलते हैं आज देखते हैं क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या बन रहा है। फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है हमारी, उसका कचरा सारा, और जो है मैंने ब्रेड रोल बनाए थे, मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं, इसको जब फ्राई करूँगा ना तो फिर देखेंगे। बेसन के पकौड़े बन रहे हैं, फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं और चिकन रखी है। अच्छा हाँ, इसके कटलेट बना रहे हाँ, ले ले क्या कर लें, मिक्स कर दें, मिक्स कर दें, हाँ अच्छा सही हो जाएगी। आलू बॉईल हो रहे हैं और इसमें पता नहीं क्या बॉईल हो रहा है, इसमें फ्राइज का हो रहा है सामान, अभी सब रेडी हो रहा है। आज हमें दावत पे बेसिकली मैंने बहन को बुलाया था, अपनी दोनों बहनों को बुलाया था, बट एज यूजुअल बड़ी बहन नहीं आ सकती क्योंकि उनकी सास की तबीयत सही नहीं है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो छोटी बहन आएगी फिर, और मेरी फुफी मेरी वाइफ की जो है पप्पी भी आएंगी साथ में, उनको तो हम बुलाते रहते हैं, वो बहुत मुश्किल से आती हैं, तो आज उन्होंने टाइम निकाल लिया तो मैं बोला आ जाएं, और वो फिर स्पेशल कुछ बना के लेके आ रही हैं। आज का मौसम देखते माशाल्लाह इतना प्यारा हो रहा है, मतलब तो गर्मी आ गई है बट हवा भी है माशाल्लाह। और कुछ लोगों के कमेंट्स के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, और बिल्कुल बोलना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो वक्त के तकाजे के साथ अच्छे नहीं होते, एक इंसान की अपनी शख्सियत जाहिर होती है ऐसे कमेंट्स से। तो अगर इंसान खुद खुश नहीं रह सकता ना तो दूसरों को खुश रहना रखना सीखे, अगर दूसरों को भी खुश रखना नहीं सीख सकता तो बराए मेहरबानी कमेंट ना करें, क्योंकि मेरे बहुत से लोग देखते हैं, बहुत लोग देख रहे होते हैं, भले कमेंट्स मेरे कम होते हैं, अभी मैं नया नया स्टार्ट है मेरा ब्लॉगिंग का, तो बट थोड़ा बहुत पढ़ता भी है, जब कभी इंसान सोचता है ना तो बुरा लगता है कि ऐसे ऐसे कमेंट्स लोग करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, खैर मुझे क्या लेना देना। सो बस बाल मेरी सेट हो गए थे, आज तो मैं खैर घर में हूँ और छुट्टी का दिन है इसलिए तरावी हम लोग की चल रही है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आज मैं व्लॉग डालूँगा। देखें बच्चे बाहर गए हुए हैं, खेल रहे हैं, काम हो रहा है, तो कोई नहीं आया। तुम क्या बना रही हो? ये देखो फ्रूट चाट, चीनी, हमारे यहाँ चीनी लाजमी बनती है, अगर चीनी ना डाले तो मतलब मज़ा नहीं आता फ्रूट चाट में। और कचरा भी बहुत सारा हो गया ना, क्योंकि हम लोग खाने में कढ़ाई बन रही है, क्या बन रही है खाने में? खाने में बनेगी वाइट कढ़ाई, तो ये सब कचरा भी समटेगा नहीं तो साफ पानी नहीं। चाट मसाला डाल दिया, नहीं बिरयानी हम बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आई होप कि आप लोग से बहुत अच्छे जा रहे होंगे, हमारे रोजे भी अच्छे जा रहे हैं, दिन से मतलब सही काम का हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आज हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आज फिर से गेस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए हमने जो बनाया है वो है फ्रूट चाट, क्योंकि ये बच्चे मेरे भी बहुत शौक से खाते हैं और ये आई थिंक ये सबकी फेवरेट होती है, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है, मैंने हर चीज़ मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में बना ली क्योंकि वो नहीं खाई जाती इतनी ज़्यादा पानी में, खाया ही नहीं जाता हम लोग, लेकिन ये मैंने ज़्यादा पाँच तो बनाया है क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और क्या क्या बन रहे हैं? और पकौड़े बनाए हैं, बाद में क्या बनाया है, ब्रेड रोल, अंडे बनाए, किसी चीज के ब्रेड रोल है उसमें ब्रेड रोल है, अंडे अंडे आप और पहले दफा में पैन का क्या है, ये हमारा दूसरा ब्रांड है, मैं सब्जी में चीज के बॉल रखेंगे, चीज आ गई है घर में।
क्रिएटिव डिश है। क्रिएटिव क्या है, मैं पहले कभी बनाता था। हाँ, छोड़ दिया। तो एक वो है, क्या कहते हैं, और छोले छोले बनेंगे छोले में एक आपको दिखाऊंगी कि मैं छोले कैसे फास्ट से जरूर बात आपके कैप्चर करने की, मैं छोले कैसे बनाते हैं। डिफरेंट वे से मैं बनाती हूँ छोले और बहुत ऑसम बनते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, जस्ट वॉच इट। शरबत बना रही है सारा, आप क्या बना रहे हैं? दादा आप क्या कर रही हैं? शरबत बना रही हूँ। बताइए कौन सा दूध बना रही है? बताइए बोलो कौन सा दूध बना रही है? इधर देख के बताइए कौन सा दूध बना रही है? बताइए आप, बताइए कौन सा दूध बना रहे हैं? छोले तैयार हो गए हैं गाइस। चटनी ये सब चीज़ें डाली हैं इसके अंदर, अलग से बनाई थी सारी, बस ये बन गए छोले। लेकिन ये अच्छा बना है, बस कर दो तो ऊपर से डाल के भी खाने के लिए रहने दो। इसमें गाइस थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि सब आपने अलग अलग बनाना है, बच्चे भी निकलते हैं। बेकरी के आप जो मार्केट में मिलते हैं ना उसे इसका टेस्ट इतना आसान है। और अभी जो मैं चाट मसाला बनाऊँगी, आई एम वेटिंग फॉर वन इन्ग्रीडियंट्स, इन्ग्रीडियंट आ जाता है मैंने हम वो भी करते हैं। तो वो चाट मसाला भी सीक्रेट है आपके पास, आपके अपोलो के लिए जो भी आप बनाते हैं। बिरयानी फॉर मी गाइस, ये आज हमारे 7 साल कंटिन्यू 7 2-3 दिन मिशन सही है। मैंने चावल देख लिए थे, हाँ दस्तर लगाएंगे हम, दस्तर गिराओगे तो नहीं गिरा। मैं सब धो के रखे हैं अभी, हाँ सारे क्या हो गया, ये देखें इनका मुंह बना हुआ। आज तो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, ये इनका आए दिन का मुंह बन जाता है। ये देखें गाइस, जरा सा कुछ बोलो ना इनका मुंह बन जाता है। ये कॉन्टेन है, देखें कॉन्टेन बना लिए।
कंटेंट क्रिएट। अभी मेरा रोजा टूटते बच गया, मेरी गलती थोड़ी है, आपका अपना वो मतलब मैं बोल हाँ तो मैं तो काम करते हुए ऐसे ही होता हूँ, मैं तो चक्कर मैं चावल चक रहा था। अब मैं बोल भी नहीं, अब मुझे लगा इनको शायद ये तो बहुत मांग रहे हैं। हाँ तो मैंने अल्लाह का शुक्र है, मैंने जबान पे नहीं सिर्फ दांत पे लगाया था चावल चेक करने के लिए। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने टूट दिया पर मैंने मेरा रोजा टूट गया था। खैर होता नहीं है कुछ बेध्यानी में अगर आप करें ऐसा, लेकिन एक चीज सही चल रही है तो क्यों मैं खराब करूँ। मैं मेहमान जाकर रोजा तोड़ने में लोगों के साथ रोजा नहीं, मेहमान नीचे बैठ के रोजा तोड़ क्यों, क्या मतलब है क्या यार हर चीज में तुम इतना चीखने वाली बात क्या? तुम्हारा बोलने का अंदाज मुझे समझ में नहीं आया। रोजा है तुम्हारा, ये क्या रोजा है, फौरन यूं बोलना चाहिए, इतना आहिस्ता से बोल रही है ये, ताकत नहीं है भाई मेरे को। अब जो ये जो रोजे की खुश रहे चले गाइस, फजूल बहस हो रही है लड़ाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू तुबा खात किला। तो आज हम लोग एक और ब्लॉग में आ चुके हैं जिसका नाम है तुबा खात की लाइफ। तो आज हमारी फैमिली आ गई है और ये हमारे तीन बच्चे, ये हमारे भाई हैं। सलाम करो, चलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो ना बाबू। अभी आपको दूसरा बच्चा दिखा दूँ, पूरी पार्टी आई हुई है, दूसरा बच्चा हमारे पास। सुनो तो गाइस, इस रूम में चल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो भाई मैं आपको बाद में दूसरे बच्चे से मिलाऊंगा, तो पहले तो हम लोग दूसरे बच्चे से वापस आ जाते। गोलू गोलू बच्चों, गोलू गोलू बच्चा ही हमारा, ये देखो गोलू गोलू मेरे साथ रहता है। ठीक है, किससे प्यार करते हो दादा और मैं से? ना दादा से, ना दादा से, ना दादा से, इसका नाना हूं मैं, नाना से नहीं, ये नहीं प्यार करता, उससे प्यार करता है बिग बी, अपने बड़े बिग बी से, बड़े भाई से, है ना। मम्मा गोदी में आ जाओ, गोदी 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 पकड़िए, दादा नहीं दिखाइएगा, नहीं ना पकड़िएगा। ये सारे बड़े लोग हैं जो बैठे हैं, ये बच्चे हैं दो, और मैं आपको दूसरा बात, ये बड़े चार पूरे, और ये भी हमारी पहली बड़ी, ये हमारे दो और बच्चे आ गए। हाय कर दे अभी, हाय कर दे अभी, बोली सलाम कर दे, अस्सलाम वालेकुम, उठ गए मेरे बुड्ढा। ये लो, ये रहा हमारा पहला, दूर से दिखा दूसरा बच्चा, खूबसूरत लगेंगे थोड़े सा। हां ये रहा हमारा दूसरा बच्चा, चलो आप ऐसे कर दे, फ्लाइंग किस कर दे, ऐसे फ्लाइंग किस, चलो चलो चलो। रो रहे हैं, हंस रहे हैं, इफ्तारी हो गई है, नमाज भी पढ़ ली, अब थोड़ा सा बैठे हैं सब लोग, तो ये लोग सब दस्तर वस्तर उठा रहे हैं लेडीज़, और मैं भी नमाज़ पढ़ के बैठ गया हूँ, बस नमाज़ पढ़ के आ गए थे। अब देखते हैं क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होंगे लोग, फिर बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, सोच रहे हैं कि कुछ खेलेंगे, कुछ गेम करते हैं, गेम खेलेंगे। अब देखिए मैं बात करता हूँ उन लोगों से, लोग तैयार होंगे तो खेलेंगे, वरना नहीं। और आज 11वां रोज़ा हो गया, 12वां स्टार्ट हो गया, अब ये जब व्लॉग लगेगा मैं थोड़ा सा रूटीन में नहीं डाल पा रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि मैं जो है ना बेसिकली दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा बिजी था, और कुछ नेगेटिव कमेंट्स जो आ गए थे उससे मेरी तबीयत भी थोड़ी अजीब हो गई थी, दिल ही नहीं चाह रहा था व्लॉगिंग करने का, मेरा दिल ही उठ गया था। मैंने बोला मैंने ऐड ही नहीं किया था कल व्लॉग, थक गए थे, सोचा ऐड कर दूँ आज व्लॉग।
गाड़ियाँ आ गई बस गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करते हैं लोग बहुत नेगेटिव करते हैं, बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। सो गाइस अपना ख्याल रखें, इबादत करें, खूब अल्लाह हाफिज़।